दोस्ती यानी फ्रेंडशिप ये एक ऐसा रिलेशन है जिसे जनरली लोग मानते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें चिलनेस हो, एंजॉयमेंट हो, एक्साइटमेंट हो। पर जितना ही जॉलीबल ये रिलेशन है उतना ही डेप्थ इसका मीनिंग है, उतना ही डीप इसका डेफिनेशन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जन्म के साथ हमें हर रिश्ते में बांध देते और उस रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं और निभाते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस रिश्ते को कैसे निभाते हैं और कब तक निभाते हैं। सदियों से हमारे देश में दोस्ती क्या है इसका सही उदाहरण देते आ रहे हैं। पहले श्री कृष्ण और सुदामा, जिनमें कोई अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, जात पात का भाव नहीं था। दूसरा राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, जो जिए भी तो मातृभूमि के लिए और शहीद भी हुए तो मातृभूमि के लिए। तीसरा दूध और पानी। दूध पानी जब एक दूसरे में कुछ इस तरह से मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि दूध में पानी मिला है या पानी में दूध। लेकिन अगर उसी दूध और पानी में हम नींबू का रस निचोड़ दें तो वही दूध और पानी अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही होते हैं दोस्ती के कुछ अलग अलग किस्से। सभी लोगों की लाइफ में दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एंड उनकी दोस्ती की अपनी अपनी एक कहानी होती है। ठीक वैसे ही मेरी और आर्या की एक अनोखी कहानी। वैसे तो याद बस यादों में ही अच्छे लगते हैं, कभी उस याद को याद करके हंस लो तो कभी रो लो। पर हमारी दोस्ती को इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना भी ये हमारी दोस्ती की एक निशानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 के 6 अप्रैल से, जब मैं यानी बिट्टू पटना आई थी अपनी फैमिली के साथ। ये बिल्कुल न्यू सिटी था मेरे लिए, नए लोग थे, नया स्कूल था और सब कुछ न्यू था। मैं यानी आर्या ऑलरेडी अपने स्कूल में 5 साल बिता चुकी थी और वो ईयर था 2015 का, जब मैंने डिटरमाइन कर लिया था कि अभी वो टाइम है जब मुझे अपने लाइफ में कुछ नया करना होगा, अब से कुछ अलग करना होगा। सो यही डिटरमिनेशन के साथ 7 अप्रैल को मैं अपने 7th क्लास के 1st क्लास में जाने के लिए रेडी हुई। मेरी क्लास में एंटर करते ही मेरी पहली नज़र गई एक लड़की पे जो मिडिल रो के 1st बेंच पर बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, वो और कोई नहीं बल्कि आर्या ही थी। और उस टाइम मैं कुछ लिख रही थी तभी बिट्टू आई और मेरे पास बैठ गई। मैं समझ गई कि ये कोई न्यू स्टूडेंट है। मैंने उसका नाम पूछा और बाकी का इंट्रोडक्शन और कन्वर्सेशन किया। पर उससे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो कॉन्फिडेंस, जो फ्रैंकनेस उसके अंदर है वो रियली में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम जनरली हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट्स इतना फ्रैंक नहीं हुआ करते थे ना। मैं आर्या से बातें करने लगी, उसे अपने बारे में बताने लगी। उसकी बातचीत से मुझे ये पता चला कि वो लड़की काफ़ी सेल्फ कंसर्न थी और अपनी स्टडी में काफ़ी सिंसियर थी। एक्चुअली हमारी क्लास में उस टाइम ग्रुपिंग हुआ करता था, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग। पर हमारे गर्ल्स ग्रुप में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग थे जिनका पेशा ही था लोगों का मजाक बनाना, स्पेशली न्यू स्टूडेंट का। सेम ये मेरे साथ हुआ। ऑल्दो मैं गांव से थी और जल्दबाजी में मैं पटना आई थी, इसलिए अपना स्कूल यूनिफॉर्म नहीं ले पाई थी। इस रीज़न की वजह से मैं फ्रॉक सूट पहन के स्कूल चली गई थी। तो उस गर्ल ग्रुप के कुछ टॉक्सिक लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मेरे ड्रेस का मजाक बनाया, मेरे गांव से होने का जोक बनाते थे। जिस तरह वो बिट्टू के साथ बिहेव करती थी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
मीन्स किसी को कोई न्यू आया और उसे डायरेक्टली सप्रेस करने स्टार्ट कर दो, वो तो गलत है ना। आर्या भले इस ग्रुप की मेंबर थी, लेकिन वो उस ग्रुप की एक ऐसी मेंबर थी जो मुझे कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलती थी, और उसके कुछ नहीं बोलने का रीज़न भी मैं जानती थी। वो ग्रुपिंग सालों पुराना था और मैं न्यू थी। उस वक्त उसे मेरे साथ किया हुआ बिहेव भले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उस वक्त वो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं थी। हाँ, ये बात तो बिट्टू ने सही कहा, पर उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा एपलाइजिंग फील हुआ बिट्टू के लिए, क्योंकि वो दिन था मेरे बर्थडे का जब वो मेरे लिए एक प्यारा सा हैंडमेड बर्थडे कार्ड बनाकर लाई। इनफैक्ट उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब हमारा कोई खास बात नहीं हुआ करता था, मीन्स हमारे बीच वैसा कोई दोस्ती भी नहीं था, जब तक मैं बिट्टू को और अच्छे से समझ पाती और उससे फ्रेंडशिप मेरा होता, उससे पहले कुछ और ही हो गया। मीन्स तब तक बहुत लेट हो चुका, हम क्लास 8 में चले गए, पर बिट्टू का सेक्शन चेंज हो गया, मैं सेक्शन ए में ही रह गई और वो सेक्शन बी में चली गई। हम दोनों का जब लास्ट में बॉन्ड बनना शुरू ही हुआ था कि हम लोग अलग, मैं सेक्शन बी में चली गई क्लास 8th, जहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली था, और वही एक ऐसा टाइम था जब मैं खुल के हंसना, खुल के बोलना और गाना सीख पाई। और उसी तरह मैंने भी अपना क्लास 8 काफ़ी अच्छे तरीके से बिताया। हमारे इंग्लिश और SSC मैम हमारे क्लास में कई सारे प्रेजेंटेशन स्कीट्स वगैरह कराया करती थी, और वो सारे मोमेंट मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। हम लोग दोनों अपने अपने सेक्शन में काफ़ी एडजस्ट हो गए थे और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे थे, लेकिन भगवान को हमारे लिए कुछ और अच्छा मंजूर था। नेक्स्ट ईयर आर्या का भी सेक्शन चेंज हो गया और वो मेरे सेक्शन क्लास 9th B में आ गए। और फिर 9th क्लास में हमारे एक न्यू क्लास टीचर आए, इंग्लिश टीचर, जो काफ़ी न्यू माइंडेड थे। एक अलग ही उनमें स्पार्क था, पर्सनैलिटी था, जिन्होंने हमारा एक प्रेजेंटेशन ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में मैं और बिट्टू एक साथ एक बार फिर साथ आ गए। हमने साथ मिलकर कई सारे प्रेजेंटेशन किए और 7 ages जो हमारा बेस्ट था। इनफैक्ट 7 age के होना हो, हमें करना नहीं था, हमारा कुछ और टॉपिक था, पर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एक किसी टॉक्सिक लोगों ने हमारे स्पीच को, हमारे स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से कॉपी कर दिया। सो हमने डिसाइड कर दिया कि अब हमें दूसरा टॉपिक करना, एंड वी डिसाइडेड द 7 ages, और वो 7 ages हमारा जितने भी प्रेजेंटेशन था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। तो इसी तरह एंजॉय करते हुए, अपने आप को न्यू माइंडेड करते हुए, अपने आप को डेवलप करते हुए हमने अपना 9th क्लास का जर्नी पूरा किया। वक्त आ गया स्कूल के आखिरी साल हमारी क्लास 10th का, जब मेरे और आर्या के बीच काफ़ी टॉपसी एंड टर्नी सिचुएशन थी। कुछ कॉन्स्पिरेटर ने हमारे बीच पॉइजन डालना चाहा, तो कुछ टॉक्सिक लोगों ने हमें अलग करना चाहा। पर इस बार अलग होना ना मुझे मंजूर था ना बिट्टू को। हमने साथ मिलकर अपने तालमेल से सब कुछ हमारे बीच बैलेंस रखा, और इस तरह हमने अपने स्टडी पे फोकस भी रखा। फिर टाइम आया 10th बोर्ड का, जब बिट्टू मुझे मैथ्स में हेल्प कर देती और मैं उसे सोशल साइंस में कर देती थी। इस तरह हमने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस, असेंबली कंडक्शन, इंटर स्कूल चैंपियनशिप भी जीता साथ मिलकर। मिस उस टाइम हमारी दोस्ती एक ऐसे पीक पे थी जहाँ पे हम साथ मिलकर, मिस कोई भी अच्छे काम साथ में मिलकर कर सकते थे। और अगर किसी दिन आर्या नहीं आती तो टीचर्स भी मुझे टॉन्ट करके पूछते कि अरे आज तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई। वैसे मैंने मेरी लाइफ की फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग भी आर्या के लिए किया था उसके बर्थडे पर। उसे एक बहुत ही प्यारा मैंने वॉच गिफ्ट किया था। हाँ, वो वॉच तो मुझे आज तक याद है, जिसे किसी ने चुरा लिया था मेरे केयरलेसनेस शायद होने की वजह से,
पर रियली वो वॉच मुझे बहुत पसंद था, पर मैंने उसे खो दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आर्या ने मुझे एक हैंडमेड टियारा गिफ्ट किया था और उसने मुझे कहा था दैट बिट्टू यू आर द क्राउन ऑफ माई हेड। और वो दिन भी मेरे लिए खास था जब मैंने उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बताया था और तब उसने कहा था दैट यू आर अ डायमंड। रियली कोई इतना सफर करने के बावजूद इतना ज्यादा डिटरमाइंड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तो क्या वो इंसान किसी हीरे से कम है? और फिर वक्त आया हमारे 10th बोर्ड का, जब हमने साथ मिलकर प्रिपरेशन किया और हमारा नेम टॉप 10 लिस्ट में आया। रिजल्ट आने के बाद हम अलग हो गए। अलग हो गया हमारा स्ट्रीम, अलग हो गया हमारा कैरियर ऑप्शन। पर अगर कुछ अलग नहीं हुआ तो वो था हमारा डिटर्मिनेशन और हमारी फ्रेंडशिप। और फिर वक्त आया इस कोरोना महामारी का, जब हमने एक बार फिर से डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना वही पुराना फेवरेट काम यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। और इस तरह हमने अपने वही इंग्लिश टीचर की हेल्प से फिर से प्रेजेंटेशन एंड ऑल स्टार्ट कर दिया। मैं आज भी बिट्टू का दिया हुआ वो फोटो फ्रेम देखती हूँ और डीपली उसे पढ़ती हूँ और फिर अपने उस मोमेंट को याद करती हूँ। और फाइनली 2 साल बाद हम मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने साथ मिलकर खूब खाया, खूब बातें करा और फाइनली बहुत रोए भी हम लोग साथ में। हाँ, खूब खाए और खूब रोए। आर्या मेरे लिए एक ब्रेसलेट लेकर आई थी जो एक हमारे फ्रेंडशिप का निशानी था, और उससे भी पुराना ये रिंग जो मैंने अब तक पहन रखा है, जो आर्या ने मुझे क्लास 10th में गिफ्ट किया। Now some glimpse of our memories.